कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को लखनऊ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि पुलिस ने उनका गला दबाया था, लेकिन प्रियंका अब अपने बयान से पलट गई हैं। इसके बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कुछ घंटे बाद ही अपने बयान से पलट गई हैं। दरअसल अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे से पहले दिन शनिवार शाम को पूर्व आईपीएस एसआर दरापुरी के परिवार वालों से मिलने जा रही थी। रास्ते में कुछ देर के लिए पुलिस ने प्रियंका के वाहनों को रोक लिया था। प्रियंका ने आरोप लगाया कि लखनऊ पुलिस ने उनका गला दबाया। इस बयान के कुछ देर बाद ही प्रियंका अपने बयान से पलट गई। अब वो कह रही है कि पुलिस ने उनके गले पर हाथ रखा था। पुलिस वालों ने आपको धकेला? मैं गिर गई, एक किसी पुलिस वाले का हाथ ऐसे लग गया मुझे, तो मैं थोड़ी गिर गई उठ गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं कार्रवाई चाहती हूँ उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने बेगुनाहों को मारा है, गोली मारी है। मैं कार्रवाई चाहती हूँ उन पुलिस वालों के खिलाफ जिनके तमाम वीडियो इंटरनेट पे दिख रहे हैं कि वो लोगों की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, वो अराजकता फैला रहे हैं। मैडम के साथ कोई भी अभद्रता नहीं की गई। मैं उनकी फ्लीट प्रभारी थी और मुझे करीब 4:30 बजे के करीब सूचना मिली कि मैडम पार्टी कार्यालय से अपने आवास कॉल हाउस जाएंगी। मैम की फ्लीट तदनुसार रवाना की गई और अब फ्लीट का अगला हिस्सा कॉल हाउस के लिए मुड़ भी गया था, लेकिन मैम फ्लीट के साथ ना मुड़ के सीधे जाने लगी और मैडम गाड़ी से उतर के पैदल ही मार्च करने लगी। इस बीच मेरे साथ भी धक्का मुक्की की गई, एक बार तो मैं गिर भी गई थी। मैडम के साथ किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर पर कोई अभद्रता नहीं की गई। वहीं बीजेपी ने प्रियंका गांधी के इस बयान को नौटंकी बताया है। गला दबाने वाले बयान को लेकर बीजेपी ने इसे प्रियंका गांधी की नौटंकी करार दिया है। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर प्रियंका पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस महासचिव की आलोचना की है। वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लिया। वाड्रा जी को समझना चाहिए कि 144 धारा लगी है, साथ ही साथ जब 144 धारा लगी है और आप एक हाई सिक्योरिटी व्यक्ति भी हैं, तो पहले तो आपकी तरफ से पूरी जानकारी होनी चाहिए कहाँ आप जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। आपने वो जानकारी नहीं, जब भी आपके साथ पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की, उसने पूरा कॉपरेशन करा और आपने जब पूरा ये देखा और आपने जब ध्यान दिया कि आपका आज का प्रोग्राम जो है वो फ्लॉप हुआ हुआ है, एक फ्लॉप शो था, तो आपने कहा कि एक मनगढ़ंत कहानी बना दो। उधर गला दबाने वाले मामले को लेकर लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कहा कि आरोप पूरी तरह गलत है। इस संबंध में सीओ एमसीआर डॉक्टर अर्चना सिंह ने रिपोर्ट दी है। सीओ अर्चना सिंह प्रियंका गांधी की फ्लिट की प्रभारी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रियंका गांधी पार्टी दफ्तर से गोखले मार्ग के लिए निकली थी। उनकी फ्लिट तय रास्ते से न जाकर लोहिया पथ की तरफ जाने लगी। इस पर जब बातचीत की गई तो कोई सही जवाब नहीं मिला। बीजेपी का कहना है कि अब तक तो भाई ही झूठ बोलते थे, अब बहन भी झूठ की चैंपियन हो गई है।